व्यूअर्स कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खुदा के फजल करम से खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हुई हूँ। तकरीबन मैं एक हफ्ते बाद जो है ना वीडियो अपलोड करने लगी हूँ, क्योंकि मैं ठीक नहीं थी, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, बुखार था और गला ख़राब। आपको पता मौसम चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये सब के साथ जो ना ये सारे मामला हो रहे हैं, तो इसलिए मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर पाई। तो आज मैं अल्लाह का शुक्र है मैं उठी हूँ, अब बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो मैंने कहा ये मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। बच्चों को बना के देने लगी हूँ देसी घी वाले पराठे और हाफ फ्राई अंडे बनाऊँगी। तो ये आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं कुछ भी जो है ना अपलोड नहीं कर पा रही। तो मैंने कहा कल अपनी अपडेट दे दूँ, ताकि आप सब मेरे लिए दुआ करें। खुदावंद आपको भी हर बीमारी से महफूज रखे। ये जो गले ख़राब हो रहे हैं, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का गरारे करें और विक्स की भाप लें, दवाइयों से अवॉइड करें, क्योंकि मैं अभी इतनी दवाइयाँ नहीं खाती, मेरे से खाई नहीं जाती दवाइयाँ। तो कॉफ़ी वगैरह का इस्तेमाल करें, जौ जशांदा कभी भी अपने घर ख़त्म ना रहने दें, सर्दियों में खासकर। तो चले जी अब नाश्ता रेडी करती हूँ। काफ़ी दिनों बाद बच्चे जो है ना बाज़ार से ना चने हलवा पूड़ी वगैरह वगैरह जो खा रहे थे, तो उनके भी गले ख़राब हो रहे थे। तो आज मैं उठी हूँ, तो मैंने कहा मैं उनको नाश्ता बना के देती हूँ और आप सबके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे आप देखें मैंने हाफ फ्राई अंडे बनाए हैं, इसके ऊपर मैंने नमक और थोड़ी सी मिर्ची डाल दी, ताकि और ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। यहाँ पर कुछ थोड़ा साग पड़ा है और ये हैं देसी घी के पराठे। तो अभी मेरे बच्चे जो है ये मज़ेदार सा नाश्ता जो है इंजॉय करेंगे, ये भी आपको दिखाएंगे जी। तो आज घर का नाश्ता मैंने अपने बच्चों को बना के दे दिया है, तो ये अब जो है नाश्ता करने लगे हैं और कुछ बात शेयर करेंगे। ये नाश्ता बहुत अच्छा लग रहा है शक्ल से, अब देखते टेस्ट कैसा लगता है। आज हम बहुत देर बाद मामा के यहाँ से नाश्ता कर रहे हैं, अब देखते हैं। शुक्र है मामा ठीक हो गई है, मामा के बगैर हमारा गुजारा ही नहीं। ओके बाय बाय, मुंह में पानी आ रहा है मेरे बहुत ज़्यादा। चलो खाते हैं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छी रेसिपी के साथ आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए खुदावंद आपको अपनी पनाह में रखे, हर बीमारी से महफूज रखे और आप खुश रहें, आबाद रहें, आपके घर में हमेशा बरकत रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।